Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा। इस संध्याकालीन में हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं, तेरे नजदीक में आते हैं खुदा। और परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर पिता सामर्थी हैं, भेयोग्य हैं, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। इसलिए संध्याकालीन में हम आपके कदमों में पूरा आदर और सम्मान गौरव लेकर आते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, बलचंगा रखा, हर एक्सीडेंट और इंसिडेंट से बचाया, हर खतरों और मुसीबतों से आपने हमें छुड़ाया। इसलिए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि मेरे खुदा, ये तो आपकी महाकरुणा के फल ने हमें बचाया है, हम जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हर पल, हर घड़ी, हर सेकेंड आप हमारी रक्षा करते हैं खुदा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस समय में जितने भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता का आदर करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो महान और जीवित खुदा है। इस संध्याकालीन में खुदा का धन्यवाद करें कि आज मैं और आप सभी जीवित हैं। कई लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कई लोगों की हत्या की गई, कई लोग हॉस्पिटल में तड़प रहे, लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं और आप जीवित हैं और भले चंगे और स्वस्थ हैं, और आज हम प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें, अपने बिस्तर में जाने से पहले उसका धन्यवाद करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार की योग्य है, वो महिमा और आदर की योग्य है। मेरे प्रियो, उसकी महिमा का आधार वही खुद है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खुदा कहते हैं, मुझे पुकार, मेरी दुहाई दे, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है भजन संहिता 50 में, संकट के समय में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर मैं तुझे उत्तर दूंगा। संकट के समय में तू मुझे दुहाई दे, मैं तेरी सुनकर मैं तुझे छुड़ा लूंगा। सचमुच में मेरे प्रियो, जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, किसी संकट में पड़ते हैं, तो खुदा को पुकारिए, खुदा को दुहाई दीजिए, उसकी ओर नजरें उठाइए। दाऊद कहता है, जब मैं किसी संकट में पड़ता हूं, जब मैं किसी मुसीबत में पड़ता हूं, तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं और मेरे मन की सारी बातें खोलकर बता देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने अपने मन की सारी बातें खोलकर खुदा के सामने रख दीजिए, पिता के सामने रख दीजिए। पिता आपकी मुश्किलों को, आपके संकटों को, आपकी बेरोजगारी को, आपकी बीमारी को खत्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ओ रीखा नाला राथी नाला रबा। परमेश्वर पिता का आदर करें, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें, परमेश्वर पिता के नाम की जयजयकार करें, क्योंकि वो जयजयकार के योग्य है, वो महिमा और आदर के योग्य है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमें संभालते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, आप हमारी सुरक्षा करते हैं, आप हमारी ढाल हैं, आप हमारी तलवार हैं। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में मेरे प्रियो, हो सकता आप किसी संकट में होंगे, हो सकता आप किसी मुश्किलों में होंगे, संकट में आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा, आपका समाज, आपकी पड़ोसी, आपका भाई बहन या आपके मम्मी पापा आपका साथ नहीं देगा, लेकिन वो मेरा पिता देगा,
वो मेरा सहायक खुदा देगा, उसे पुकारिए वो आपकी सुनेगा, कोई आपकी सुने या ना सुने, लेकिन मेरा यहोवा पवित्र परमेश्वर जरूर आपकी सुनेगा और आपको मुश्किलों से, आपको संकटों से, आपको तकलीफों से बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इस समय में जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक जनों को पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक जनों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा की अग्नि उतरने पाए, यीशु मसीह के नाम से खा मा बाबा राशि खन रबा। मेरे प्रियो, आप जितने भी मुश्किलों में हैं, तकलीफ में हैं, हो सकता है आपके चारों ओर परिस्थितियां होंगी, परमेश्वर पिता को पुकारिए, परमेश्वर पिता आपकी सुनेगा और आपको बीमारी से, तकलीफ से और कष्ट पीड़ाओं से आज अभी इसी वक्त निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपके शरीर में कोई बीमारी होगी, हो सकता है आपको कमजोरी होगी, हो सकता है आपके शरीर में तकलीफ में होंगे, प्रभु को अभी इस वक्त पुकारिए, प्रभु आपके जीवन से सब प्रकार की बीमारी को, अंधकार की शक्ति को, जादू टोना, भूत प्रेत की शक्तियों को भस्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपके जीवन में, आपके शरीर में चाहे कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, खुदा को पुकारिए, खुदा आपकी सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, चाहे टीबी और बवासीर की बीमारी क्यों ना हो, चाहे एचआईवी एड्स क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी पुकार को आप सुन लीजिए, छू लीजिए और चंगाई दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए, पैरालिसिस की बीमारी खत्म हो जाए, जिनकी किडनियाँ खराब है वो स्वस्थ हो जाए, जिनके हार्ट का प्रॉब्लम्स है वो स्वस्थ हो जाए, जिनका पेट में गैस बनता वो स्वस्थ हो जाए, यीशु के नाम से दया कर प्रभु, दया कर पिता, रहम कर पिता। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। अनाथ और विधवाओं का आप स्वामी हैं। मेरे प्रियो, आप जितने भी अनाथ और विधवाएँ हैं, प्रभु को पुकारिए, खुदा आपके साथ है, खुदा आपके अकेलेपन को दूर करेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन बिना औलाद के हैं, उन सारे भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें औलाद दे, उन्हें औलाद दे प्रभु, उनकी गिड़गिड़ाहट को, उनके रोने और पीटने को सुन लीजिए प्रभु, उनके विलाप को आप समाप्त कर दीजिए प्रभु, यीशु के नाम से उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु, उनकी पुकार को सुन लीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें औलाद दे प्रभु, औलाद दे प्रभु, किसी भी हालत में उन्हें औलाद दे पिता, आशीषित कर प्रभु, उनके कोख को खोल दे, उन बहनों के कोख को खोल दे, यदि शारीरिक बीमारी है या कमजोरी है, यीशु के नाम से बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए प्रभु, आप दया करें, रहम करें, चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, यीशु मसीह के नाम से। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में है प्रभु, उन्हें स्वस्थ कीजिए प्रभु, उन्हें स्वस्थ कीजिए प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, पीड़ाओं में, दर्द में उन्हें शांति और तसल्ली दे प्रभु, विशेष करके उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास कोई जॉब नहीं है। मेरे प्रियो, आप मुश्किलों में हो, आप तकलीफों में हो, प्रभु आपको जानता है, लेकिन आपको दोहाई देने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में चलने की जरूरत है, प्रभु आपकी सुनेगा, प्रभु आपकी सुनेगा और आपको झुक देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रा थी नला रा रबा ओ रा बा बा नला रा थी नला रा रबा। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, उन्हें तू झुक दे, जॉब दे प्रभु। हो सकता उन्होंने इंटरव्यू दिया हो, एग्जाम दिया हो, फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट जो भी दिया है, परमेश्वर पिता उनमें उन्हें सिलेक्ट कीजिए, उनका सिलेक्शन तेरी ओर से, उनका ज्वाइनिंग लेटर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक खुशखबरी मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है।
आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपकी ही महिमा हो, आपकी ही महिमा हो, आपकी ही महिमा हो। जितने भी जॉब करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके जॉब में उन्हें आशीषित कीजिए। समय पर पेमेंट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, समय पर प्रमोशन होने के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। उन्हें ऊँचा उठा प्रभु, उन्हें ऊँचा उठा प्रभु, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर जितने भी बिजनेस करते हैं प्रभु, उनके बिजनेस में उनको बढ़ाइए प्रभु। दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ता जाए, उनकी चिंता, उनकी तकलीफें, उनकी बेरोजगारी, उनका कर्ज खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हमारे किसान भाई बहनों को ऊंचा उठा प्रभु, हमारे किसान भाई बहनों की चिंताओं को दूर करें, उनकी तकलीफों को, उनकी मुसीबतों को दूर करें प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, हमारे किसान भाई बहन कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी तकलीफ में ना रहे, कोई भी चिंताओं में ना रहे, हमारे किसान भाई बहन ऊंचे उठाए जाए यीशु के नाम से। पढ़ने वाले बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करना चाहता हूं प्रभु, उन्हें पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे और अच्छे नंबरों से पास कीजिए, टॉपर कीजिए परमेश्वर पिता, टॉपर कीजिए खुदा। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। उन परिवारों के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं जिन परिवारों में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोग नशा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, पति पत्नी लड़ाई झगड़े करते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं। परमेश्वर पिता ऐसे लोगों के जीवन को बदल दे, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो वाद विवाद करते हैं, जो नशा करते हैं, परिवार में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, अशांति सब कुछ खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। परिवार में शांति दे, परिवार में शांति दे। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा होता है उन परिवारों को शांति दे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर पति पत्नियों के जीवन को बदल दे, वो लड़ाई झगड़ा करने वाले ना बने, लड़ाई झगड़ा करने वाले ना बने। जिन होने पिता परमेश्वर अलग अलग होने को पिता परमेश्वर दूर हो गए हैं प्रभु यीशु के नाम से, अलग ताई खत्म हो जाए, पति पत्नी एक साथ रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे परमेश्वर पिता। लड़ाई झगड़े वाद विवाद सब कुछ पति पत्नी के बीच से खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तूने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन जवानों के लिए भी प्रार्थना करते जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए, सही समय पर उनका विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर पिता तूने आशीषित करे, और परमेश्वर पिता सही समय पर सब कुछ ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और जिनके विवाह का दिन फिक्स हो गया है प्रभु, उन्हें सही समय पर उनका कार्यक्रम, उनका प्रोग्राम, उनका शादी संपन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, छुड़ा ले, बचा ले, सहायता और मदद कर। तेरे दासों को हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे और पवित्र आत्मा दे परमेश्वर पिता। इस रात्रि को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। इस रात्रि में जितने भी लोग हैं प्रभु, शांति से प्रभु निंद्रा को प्राप्त करे खुदा। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दि नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने कहा, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, संकट में मैं तेरी सुनकर मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास में आगे बढ़े, प्रार्थनाओं में आगे बढ़े, प्रभु आपकी सुनता है। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें, सबको जय।